अच्छा, चूंकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। आशुतोष, हाँ, तो सबसे पहले मैं लॉ से जुड़े विषयों पर बात करना चाहूँगा। देश में एक बहस चल रही है कोलेजियम सिस्टम को लेके, हैं? अच्छा, आशुतोष सोच रहे हैं हम माइक अब ना आए मेरे पास। कौन बात करेगा कोलेजियम? मैं तथा हम चुनावी मुद्दा के लिए आए थे। कोलेजियम पे बात नहीं करेंगे? नहीं, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी, हाँ, क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह। अमित, बताइए क्या है कोलेजियम सिस्टम, पहले तो अगर आप क्विकली बता पाए। कोलेजियम सिस्टम सर, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजों का ही चुनने का एक प्रोसेस है, जिसमें 3 जजेज केस इसमें रेफर किया जाता है। केएसपी गुप्ता केस एंड सेकंड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके बाद फिर थर्ड जजेस केस है जिसमें कि आया कि जजेस का कैसे अपॉइंटमेंट होगा इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट्स। एंड इन कोलेजियम सिस्टम होता है क्या बेसिकली कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ एक 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं, और वो लोग फिर अपना कंसेंट जो है वो फिर लेटर वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं, फिर वहाँ से वो लोग नॉड मिलती है और फिर वो जजेस। एक नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगता है कि ये कोलेजियम सिस्टम है, ये फॉल्ट प्रूफ नहीं है। आप देखिए जो बड़े बड़े जजेस हैं उनके बेटे भी, और ये भी इल्ज़ाम लगता है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कि बहुत फेवर किया जाता है किसकी बेंच में मुकदमा लगे, ये सब सुना है आप लोगों ने भी? क्या सर? सर बेसिकली जो टसल चल रही है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, और इस क्रम में एनजीएसी एक्ट लाया गया ताकि एक इंटरफेरेंस हो सके, सही तरीके से अपॉइंटमेंट हो सके, लेकिन इस पर जुडिशरी ने एक बाहरी आवरण अपना एक कवर तैयार कर लिया बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के नाम पे, जिसको सर हटाए जाने की जरूरत है। क्योंकि सर ये 30 जजेस जो हैं वो 130 करोड़ भारतीयों के फेट को डिसाइड करते हैं, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब जो मन में आता है वो कर लेते हैं। सॉरी, मैं भी इसी फ्रेटर्निटी से बिलोंग, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, यू आर सेइंग इट ऑनेस्टली, एक्सपीरियंस ऐसा है कि मतलब इस पर एक चेक होना चाहिए, वो ठीक है। सर, एज वी ऑल नो दैट आवर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इन द मेन फोकस दैट एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट। यस यस यस। सर इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि जैसे स्टूडेंट हैं कि नहीं है? अरे तो आ जाइए ना, फिर आइए बात करते हैं। जुडिशियरी ने एक भेल जो बना रखा है सर, कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट दिया, और आरटीआई का जो कंसेप्ट है, ओपन गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, डिस्क्लोजर रूल है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जुडिशियरी पर अप्लाई नहीं होती हैं। मतलब जुडिशियरी एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ स्टेट है, लेकिन जुडिशियरी खुद ही अपने आप को जज उसी में बना के रखे। जैसे अभी चीफ जस्टिस का मामला आया, अब उसमें जो जज कमेटी बनी, सब कमेटी बनी, उसमें खुद वही लोग हैं जो खुद का मामला डिसाइड कर रहे हैं, और सीधे इट इज नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। सुधार होना चाहिए, जैसे यूपीएससी के थ्रू DM SP सब चुने जाते हैं, उसी तरह है ना, जज सुप्रीम कोर्ट का जज को भी इसी तरह एग्जाम ले, ओपन एग्जाम ले, एग्जाम ओपन एग्जाम लेने के बाद है ना जज का चुनाव करे, इससे होगा अच्छा। जुडिशरी के वो होता तो है एग्जाम, वो लोअर जुडिशरी के लिए होती है। और उसमें से कितने लोग प्रमोट होके जाते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना, सुप्रीम कोर्ट में ओपन एग्जाम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में सीधे आप थोड़ी ना, एक 26 साल के लड़के को थोड़ी ना आप बना दोगे सुप्रीम कोर्ट का जज। जजेस का कॉन्सेप्ट है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं वही अपॉइंट होती है उन्हीं की, एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी ऑफ दी जजेस। सर्विस वाले पहुंच पाते हैं वहां तक? बिल्कुल पहुंच पाते हैं, अगर बहुत कम है, बट रेयरेस्ट है। मतलब ये होता है सर, बार बेंच ऑलवेज यू नो यस प्रिवेल्स। बार बेंच का सर एक रेशियो होता है कि कितना बेंच से आएगा, कितना बार से आएगा। बहुत सारे केसेज में देखा जाता है, जैसे सर पटना हाई कोर्ट का एग्जांपल अगर ले, तो बहुत सारे अभी जुडिशियल सर्विस में वो आए हैं जो बार से हैं, ठीक है। बेंच से कितने लोग जाते हैं सर, ये मैटर करता है, और बेंच से जाने वाले लोगों की संख्या एकदम मिनिमम है, एंड इट इज नेवर पॉसिबल टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये तो एक मसला है। दूसरी, हाँ, अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट इसलिए जुडिशरी को, कॉलेजियम सिस्टम को हटाना चाहती है क्योंकि इसके इसको अपने अंडर में ले सके सर, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सके सर, और ड्यू टू कॉलेजियम सिस्टम जो जुडिशियरी की सोवरेनिटी है वो सर वो बनी हुई है सर, और गवर्नमेंट का कोई इस पे ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर नहीं हो सकता है। सर इल्ज़ाम तो लगते हैं अभी भी पॉलिटिकल प्रेशर के? नहीं सर, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर के लगते हैं सर, बट सर एक सर बट सर वो एक लिमिट तक है सर। अच्छा, लेकिन सर जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडीज काम करती है, जैसे आईएएस आईपीएस काम करते हैं सर, लेकिन सर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं सर, तो ये थ्रेट हो जाएगा सर सॉवरेनिटी के लिए जुडिशियरी के। सर एक पॉइंट जोड़ सकें उन्हीं के बात को देखते हुए सर,
कि अभी आप देखेंगे कि सर केवल इसका निगेटिव पहलू ही नहीं है कॉलेजियम सिस्टम का, इसका कुछ पॉजिटिव पहलू भी है। जैसे सर इन्वायरमेंटल राइट्स एक्ट अभी आपका इमर्ज होकर आया, या अभी फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट PIL के थ्रू कर रही है, ये सारा उसके इंडिपेंडेंस का नतीजा है। अगर नेहरू इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय जिस समय जुडिशरी का पावर सीज किया जा रहा था, अगर सर वैसा हो जाता है तो हाउ द राइट्स ऑफ पीपल विल बी प्रोटेक्टेड, इट इज अ क्वेश्चनेबल। A major thing is also coming up in the era that judicial overreach, a term called judicial overreach. And nowadays, judiciary is interfering in administrative policies also. हर चीज़ पे वो करते हैं, हर चीज़ को regular, और लोगों को भी अब ये हो गया कि सब सुप्रीम कोर्ट चले जाओ वहीं से डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नो नो, सेपरेशन ऑफ पावर का हमारे संविधान में इसकी एक डॉक्ट्रिन अपनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, एंड उसमें बताया जाता है कि एवरी ऑर्गन शुड वर्क विद इन देयर स्फेयर। तो आप जहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं आप कीजिए, कोई इशू नहीं है, बट आप जुडिशियल ओवररीच करने जा रहे हैं ये भी सही नहीं है।